झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह स्पीकर की तानाशाही है। जहां एक तरफ संसद की चूक मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें अब तक 141 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। 3 भाजपा विधायकों को कार्रवाई में व्यवधान डालने के आरोप में विधानसभा सदन से ही निलंबित कर दिया गया। स्पीकर की कार्रवाई का विरोध दर्ज करवाते हुए भाजपा के अन्य विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और आज राज्यपाल से मिलने चले गए। भाजपा विधायकों के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पीकर की कार्रवाई को तानाशाही रवैया करार दिया। बावरी ने कहा, हम राज्य के युवाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। विधायकों के विरोध के कारण विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में हंगामा किया। बावरी ने कहा कि पंचायत सचिवालय के 18,000 से अधिक कर्मियों और दिव्यांग युवा रोजगार के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा, रोजगार एक संवेदनशील मुद्दा है और मुख्यमंत्री को इस मसले पर सदन में अपना बयान देना चाहिए। संविधान और कानून का पालन करने का यह दायित्व लेता है, कर्तव्य जिसका होता है, उसकी नैतिकता उसको नहीं कचोटती है कि भाई आपके ऊपर ही कानून तोड़ने का एलिगेशन लग रहा है। आप जो भी संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दीजिएगा, उसी के समक्ष जो है आप जो है वो चुनौती पेश करिएगा, दोनों में टसल होगा। कोई आम जो नागरिक है जो कानून को तोड़ता है या कानून की अवहेलना करता है उसमें और एक संवैधानिक दायित्व में बैठा हुआ व्यक्ति में फिर क्या पक्ष है? संविधान हम लोगों पे लागू नहीं किया है, हम लोगों ने लागू अपने ऊपर किया है। भारत के संविधान को हमने अंगीकृत आत्मर्पित और अपने ऊपर अधिनियमित किया है। अगर यदि संविधान के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो संवैधानिक संकट पैदा हो ही जाएगी और आज वही पैदा हो रही है। मतलब राज्यपाल को आप लोगों ने कहा है कि आप संवैधानिक संकट से बचाइए। मतलब क्या हुआ है? अब संवैधानिक संकट यही है कि कानून का यहाँ पालन हो, कानून का संरक्षण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने सभाओं में और अपने कार्यकर्ताओं को आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनको सीधे तैयार रहने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार रहे, तो ये अराजकता एनार्की फैलाने का ही कोशिश है। आप कानून का पालन नहीं कर रहे, एक तरह से आप लोग आए थे फाइनली अपना दावा पेश। हम लोगों ने संविधान की रक्षा करने के लिए और जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है, जिस तरह से गैर वैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, उससे इस राज्य को बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि सारे विषयों पर हम बात करेंगे, देखेंगे, उस पर उनका जो राइट बनता है, उनकी जितनी भी पहुंच है उस हिसाब से वो काम करेंगे।